हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज जो है वो अभी स्टार्टिंग में ही बच्चों का जो है थोड़ा खेलने का मूड था, तो अभी देखिए एक पुरानी गेम जो है, जब हम लोग छोटे थे तब ये गेम खेलते थे, तो अभी आज वो गेम जो है हम फिर से ताज़ा कर रहे हैं। और शुरुआत में ही बच्चों को जो है ये गेम जो है अभी खिला रहे हैं। देखिए उनको जो है खेलने का बहुत मज़ा आ रहा है, और कई बच्चों को तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गेम होता है या ऐसा कोई गेम जो है वो हम खेल सकते हैं। तो देखिए आज जो है इनको ये सिखाया और उनको खेलने का मौका भी मिला। तो हमारी यही उम्मीद है कि बच्चे जो पुरानी गेम्स जो है वो सब कुछ भूल गए हैं, तो उनको ये याद कराना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और यहाँ पर देखिए इन लोगों की प्रैक्टिस जो है आज स्टार्ट हो रही है, और इनका जो है वो मैं आपको गाने पे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है सस्पेंस जो है वो फिर मज़ा नहीं आएगा उतना आपको फंक्शन में देखने का। तो अभी इसको जो है वो मैं गाना नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये बच्चे देखिए अगर स्टाइल कुछ कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया है कि ये गाना कौन सा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये कौन सा गाना है। तो अभी देखिए ये लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बच्चे जो है वो थोड़े अभी भी इतना नहीं खुल के कर रहे हैं, तो हम डे बाय डे हम ट्राई करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा डांस जो है वो कर सके। तो दो तीन दिन पहले जो बच्चे नहीं करते थे, आज जो है उनमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो आई होप के बाकी के बच्चे भी अच्छे से करने लगेंगे। अभी यहाँ पे जो है कुछ वेस्टर्न टाइप का जो है हमें करवाना है डांस, तो अभी सभी बच्चों को दो तीन लड़कियाँ जो हमें स्मार्ट लग रही है कि ये कर पाएंगी, तो उनको जो है हम एक एक करके उनको अभी देख रहे हैं, उनका ऑडिशन ले रहे हैं। तो एक या दो लड़कियों को मिला के जो हम करने वाले हैं डांस, तो अभी इनकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और इनको जो है मौका मिल रहा है कि एक लड़की करेगी या फिर दो लड़कियां करेगी, तो एक एक करके जो है इनको चांस दे रहे हैं। और लगता है कि अगर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो इनको दी जाएगी, तो आई होप कि ये कर लेंगे। लेकिन उनके हिसाब से जितना होता है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से जितना होता है उतना उनको दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। गाइस यहाँ पे जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी ये जो है बच्चे जो है अभी इनको मैं ना पुराने डांस पे थोड़ा सा डांस करवा रही हूँ, पुराने गाने पे, तो मुझे विश्वास है कि ये कर लेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं और शायद कर ही लेंगे। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, उनकी तरफ से भी मुझे मिल रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको जो है मैं पुराने गानों पे करवाऊँ, ताकि आजकल के गाने जो है वो तो इन लोगों को पता है, लेकिन पुराने गानों में जो डांस जो मस्ती है वो भी इनको पता चलनी चाहिए। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आजकल के बच्चे जो है वो भी पुराने जो गीत है उनको सीख सके, उनको जो है अच्छी तरह से डांस उस पर कर सके। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि ये लड़कियाँ जो है मैं इनको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो इनको वो डांस आ जाए। और 90s के गानों पे ज़्यादातर मुझे इच्छा है कि तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 90s के गाने कैसे होते हैं, उन पर कैसे डांस करते हैं, वो सब मुझे अपनी अंदर से इच्छा होती है। तो मैं ट्राई करूँगी कि बच्चे भी उन पे डांस करें, और डांस करके जो है उनको भी पता चले कि 90s में जो है ऐसे गाने आते थे और हम भी उसमें कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वो भी ऑलराउंडर हो जाए, कि चलिए आजकल के जो है डांस वो तो हमें आते ही है, लेकिन 90s पे जो गाने हैं उन पे भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक ट्राई जो है हम करते हैं बच्चों के साथ। चिंटू, हाय। चिंटू तने गिफ्ट मळवानो छे? केवडू? एकरो मोटो। केवडो मोटो? एकरो मोटो ने जिंदा थाड़। हां चिंटू, तू हिंदी बोले के गुजराती? काही समजातू नथी। छोटा आईने क्याने मने। अभी तुम छोटे हो? कितने छोटे हो? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? डांस अच्छा वाला करोगे? हाँ। पक्का? चलो ठीक है, सबको बोल दो कि मैं अच्छा डांस करूँगा। बोलो सबको, चलो। मैं सबका डांस करूँगा। बोलो मैं अच्छा डांस करूँगा। पुष्पा वाला करो, पुष्पा डायलॉग। हाय गाइस, हेलो। हाय।
आज आप लोग गेम्स में क्या खेलने वाले हो? आपने डांस तो बहुत धमाकेदार किया, जोरदार किया। अभी आप कौन सा गेम्स खेलोगे? ब्लाइंड आइज। तो कैसे खेलते हैं वो गेम? आंख बंद करना होता है और आंख बंद करना होता है, ढूंढना होता है। हाँ, लेकिन आंख बंद करोगे या पट्टी बांधोगे आंख पर? पट्टी। अच्छा, आंख पे पट्टी बांधनी है और दूसरों को ढूंढना है जो और फिर जो पकड़ा गया वो अच्छा जो पकड़ा गया वो आउट हो जाएगा, राइट? तो अभी क्या आप लोग मुझे सिखाओगे वो गेम्स कैसे खेलते हैं? चलो, तो अभी कौन किसकी बारी है? जानवी की। देखिए ये हाइट के साइड इफेक्ट्स, ये दिख गई, अब इसका पूरा हो गया काम, अब ये करेगी दाव। चलो, तो अभी जानवी का दाव है, तो जानवी जो है उसको आप, मैडम क्या करोगे अभी जानवी के साथ? अभी उसको हम बीच में खड़ा रखेंगे और बाकी सब सर्कल में आ जाओ। चलो सर्कल बना लो, सभी सर्कल में आ जाओ सब। देखो इसकी आइज पे हम ऐसे पट्टी बांधेंगे, देखो कुछ दिख रहा है जानवी आपको? नहीं। अभी मैं बताऊंगी कितने हैं, अब देखते हैं काउंट करती है या नहीं, सच बोल रही है या नहीं। चलो ये कितने हैं? माया जानवी ना वो भी ऑनेस्ट है, उसको दिख रहा है तो बोल देती है मैम यहाँ से दिख रहा है, मैम यहाँ से दिख रहा है। ये कितने हैं? चलो अब मैडम जी थोड़ा सा नीचे ले लो। अब इधर से चलो, अभी कितने हैं? चार। ए आप बोलो जानवी कितने हैं? दो। नहीं सच बोल। चलो अभी जानवी को नहीं दिख रहा है ना कुछ। चलो अब जानवी सबको ढूंढेंगे, ठीक है? चलो जानवी रेडी रेडी। अभी जानवी जो है वो उसको पट्टी बांध दी गई है, अब जानवी सबको ढूंढ रही है। क्या हुआ जानवी? अच्छा लूज है थोड़ा सा, अभी इसको टाइट करो। अभी भी जानवी को दिख रहा है, पता नहीं ये सॉल्यूशन कब होगा। जानवी दिख रहा है? चलो अभी अभी जानवी शुरू कर रही है वापस। चलो अभी ढूंढो सबको, देखिए अभी सब इंजॉय कर रहे हैं, जानवी जानवी को परेशान कर रहे हैं। अभी जानवी ने किसी को पकड़ लिया। चलो आपका नाम तनीषा, राइट? अभी जानवी ने तनीषा को पकड़ लिया है, तो अभी ये पट्टी जो है वो जानवी की ऊपर से खुल जाएगी और अभी ये बंधेगी किसके ऊपर? तनीषा। चलो तनीषा, चलो चलो। अभी तनीषा के ऊपर मैम पट्टी बांध रहे हैं, अब देखते हैं तनीषा क्या कमाल करने वाली है। और किसको दाव चाहिए अभी, किसको अपने ऊपर पट्टी बंधवानी है? ये सब बहुत उत्सुक है। चलिए अभी तनीषा आप रेडी? चलो ढूंढो सबको। अभी तनीषा ढूंढ रही है, आरोही आउट हो गई। ये एक मिनट, आप लोगों की मिली भगत नहीं लग रही? आप दोनों फ्रेंड्स हो, अभी एक सामने से चली गई ऐसा आउट हो गई, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना मैम ऐसा? मैं मुझे ऐसा कुछ लगा, ऐसा ही है ना आरोही? ये देखिए दोस्ती, आजकल की दोस्ती को तो देखो कितनी ऑनेस्ट है। ये क्या है? अभी आप बोल रहे हैं डोरेमोन का पॉकेट, डोरेमोन का पॉकेट, तो क्या है आपके डोरेमोन के पॉकेट में? गैजेट्स। कितने गैजेट्स हैं? उससे क्या होता है, कुछ फायदा? नहीं ना, हमें ना किसी भी गैजेट्स पे ना डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? हमें अपने आप करना है, जो कुछ भी करना है ना अपने आप करना है, अपनी शक्ति से करना है। कल से ना इसमें जो भी गैजेट्स है ना मैं देख लेती हूँ। अच्छा खाली सब गैजेट्स खाली कर दिए ना? खाली है। अभी कोई गैजेट्स नहीं रखना है ना? कल से अपनी शक्ति अपने बल पर सब कुछ करना है, ठीक है? रेडी है तो तुम बहुत ही समझदार हो। सो गाइस यहाँ से मैं देख रही हूँ अंदर कुछ प्रैक्टिस हो रही है। चलो अभी देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बहुत मेहनत हो रही है इन दोनों की। फंक्शन की जो डेट है वो हमारी फिक्स नहीं है, लेकिन मेहनत जो है इनकी अभी से ही शुरू हो गई है। ये लोग स्तुति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और
और पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी इनसे प्रैक्टिस तो हो रही है, बट आई होप कि हो ही जाएगा, क्योंकि अगर इनसे नहीं होगा तो फिर मेरी जो है मेहनत वो विफल हो जाएगी, मतलब मैं नहीं सिखा पाई ऐसा मुझे फील होगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस देख के लग रहा है कि हो ही जाएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? हो जाएगा। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है, अभी तो आज स्टार्ट है, दूसरा सॉन्ग का जो मिक्स किया है। अच्छा, अभी ना आपके ऊपर आपको पता है 50% मतलब क्रेडिट मेरी है, मैं सिखा रही हूँ, तो आपको ना 50% मेरा है और 50% आपका है, तो आप अपना दोगे लेकिन साथ में मेरा ख्याल रखना, ठीक है? वरना मेरी नाक कट जाएगी, पूरे ऑडियंस पूरी ऑडियंस के सामने सब बोलेंगे कि ये मनीषा ने ये सिखाया आपको। नहीं, ये बोलेंगे कि वाह मनीषा प्रोफेशनली ये सिखाया, कितना अच्छा है। हाँ, बस अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं। हाँ, और आपकी प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छी, सच में आपने जो मेहनत की है ना वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोग इतना मेहनत करोगे कि मेरी और आपकी दोनों की मेहनत जो है वो रंग लानी चाहिए। तो अभी मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस किया है, तो आप मुझे ना अभी पहले से बताओ, जहाँ पे मिस्टेक्स होगा कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड भी करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि अच्छा अच्छा ही दिखाना है, जो भी दिखाएंगे रियल दिखाएंगे, नहीं आता है कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे जो है वापस प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और गणेश स्तुति की जो है यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो थीम में जो पहला गाना है, मतलब हमने जो स्तुति करनी है फर्स्ट वाली वेलकम वाली, तो उसमें फर्स्ट गणेश जी की स्तुति करना है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी बोला था कि कभी क्लासिकल नहीं किया है लेकिन आज ट्राई कर रहे हैं, तो ये अभी जो है स्टेप्स को सेट कर रहे हैं अपने तरीके से, जो पहले सिखा दिया है, लेकिन इनको जो है काफ़ी सारी भूल वहाँ पे हो रही है कि याद नहीं रहता है, और थोड़ा सा जो फिनिशिंग नहीं आता है, तो बस अभी यहीं कर रहे हैं। तो अभी मुझे भी लग रहा है, इनकी मेहनत को देख के लग रहा है कि ये लोग जो है वो ज़रूर से कर ही लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में जो टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है, क्लास में जो आते हैं उनका अलग अलग जो थीम वाइज होता है, तो वो भी हम हैंडल करते हैं, तो उसके साथ साथ जब उनको टाइम मिलता है तब ये लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी होता है उतना उनकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरह से चल रही है, एंड मुझे भी अभी विश्वास है कि अगर इसी तरह चलता रहा और प्रैक्टिस पे ये लोग ध्यान देते रहेंगे तो 100% इनका जो है वो डांस सक्सेस हो ही जाएगा। और इसके लिए जब डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं आपको लोगों को भी बता दूंगी कि कब होना है, तो उस टाइम पे जो है आप भी आएंगे और पूरा जो है फंक्शन आपको भी देखना ही है और ज़रूर आना है। सो गर्ल्स, क्या लग रहा है आपको? आपने तो ना बहुत सारी मिस्टेक की, मैंने देखा बहुत ही मिस्टेक किया, तो थोड़ा सा मतलब ना टचअप नहीं आ रहा है वो जो ओरिजिनल वाला, मुझे पता है यू आर नॉट ट्रेंड इन क्लासिकल फॉर्म, बट स्टिल वो आप डांस तो करते ही हो, तो लचक जो है वो अगर नहीं आएगा ना तो डांस का जो है ना सॉफ्टनेस चला जाएगा। हमें ना उसको थोड़ा सा सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट रखना है कि देखने वाले को पता नहीं है कि आप लोगों ने ये कभी किया है या नहीं किया है, उनको बस सेटिस्फेक्शन चाहिए कि डांस जो है वो देखने के लिए आए हैं तो आपका डांस अच्छा होना चाहिए, गेट इट? तो आपको क्या करना है कि जितना हो सके उतना उसमें उतर जाओ। अगर भक्तिमय गाना जो है वो चल रहा है तो पूरा वो एटमोस्फियर अपने अंदर जो है तूफान उसको जगाओ और भक्ति में डूब जाओ, तो अच्छा हो जाएगा आपका जो पूरा गाना है वो, ठीक है? तो अभी करना है यस। तो अब आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम आज क्या करेंगे, आज के लिए ये वीडियो यहीं पर रखते हैं, कविता और काजल की मिस्टेक के साथ रख रहे हैं, और आई होप कि अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा, बाय बाय।